एंड दिस इज अ वंडरफुल हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वाला ब्लॉग जिसमें मेरे दोस्तों ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सा बर्थडे सरप्राइज़ दिया था बिफोर माय बर्थडे अच्छा लगा होगा। सो टुडे इज़ द बर्थडे ईव, मतलब बर्थडे की पहले वाली रात, पहले वाली शाम है। एंड मेरे दोस्तों ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। तो मैं फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अरे वो छोड़ो फर्स्ट टाइम इन लाइफ, वड़ा पाव बनाऊंगा। बिकॉज मेरे को आज मुंबई की बहुत याद आ रही है। थोड़े टाइम पहले इंडिया में 12 बज गए थे तो मेरे सारे दोस्तों ने, मेहुल, चिन्मय, प्रणव, अंजलि, तंजिला, अथर्व, सब ने मुझे फ़ोन किया था। साइली ने मेरे लिए उनके तरफ से स्पेशली पेस्ट्री लाई थी, एंड शी गेव मी अ पेस्ट्री। तो मैं उनके साथ बात कर रहा था, वो बात करते करते एकदम मुंबई की याद आ गई, एंड देन मुंबई की याद आई तो मुझे वड़ा पाव की भी याद आ गई। इसलिए मैंने सोचा कि आज पहली बार कोशिश करता हूँ वड़ा पाव बना के, देखता हूँ कैसा बनता है। जो भी अच्छा बनता है, नहीं बनता है, कोई नहीं, कोशिश करने में क्या। और भाई क्या टाइमिंग है, मेरे मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए एक पार्सल भिजवाया था घर से, जिसमें मेरे लिए केक भिजवाया था, लड्डू भिजवाए थे, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाई थी। और आज ही एकदम परफेक्ट टाइम पे बर्थडे के जस्ट कुछ घंटों पहले आ गया, तो फटाफट वो पार्सल भी पिकअप कर लेते हैं। टिल द टाइम पोटैटोज आर बॉइलिंग इन द कुकर। चलो टेक की अनबॉक्सिंग तो बहुत हो गई, आज करते हैं घर से आए हुए पार्सल की अनबॉक्सिंग। आई एम रियली हैप्पी कि कोरोना के बाद अभी पार्सल वगैरह आना चालू हो गया है, नहीं तो मेरी मॉम हर 2 महीने में या 3 महीने में एक बार भेजती थी। बट देन आई थिंक सिंस जनवरी दिस इज द फर्स्ट पार्सल जो मेरे लिए घर से आया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आई डिडंट सी, वाओ। यहाँ पे अगर आपको पता है कि एक जो छोटा सा एकदम जो मिनी इत्तू सा जो होता है हाइड एंड सीक का पैकेट, वही आई थिंक $1.5 का आता है। मैंने बोला था मम्मी को कि घर से भेज देना, मुझे बहुत पसंद है हाइड एंड सीक खाना, बट देन उतने से पैकेट के लिए $1 देना इज नॉट वर्थ। मतलब उस उतने में आपको बाकी सारे कुकीज़ काफ़ी अच्छे, मतलब यहाँ के अमेरिकन कुकीज़ काफ़ी अच्छे और उस प्राइस में बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली हाइड एंड सीक मंगाया था घर से। केक भेजा है मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली, मावा केक। मुझे, मैंने बोला था मम्मी को कि मुझे रावा केक बहुत पसंद है, एंड मॉम वाज लाइक कि तेरा बर्थडे है, हम तेरे साथ नहीं है, एंड इट्स बीन द सेकेंड ईयर कि आई एम नॉट विथ माई पेरेंट्स। तो फिर मॉम डैड ने मेरे लिए स्पेशली केक भेजा है। ऑब्वियसली क्रीम केक तो नहीं भेज सकते इंडिया से US, तो इसलिए ये मावा केक ही सही। एंड दिस इज अ वंडरफुल, वैसे टेक्निकली इंडिया के टाइम की तरफ से मेरा बर्थडे तो चालू हो गया है, सो ये खोलना लीगल। आई रियली लाइक वन माई मॉम राइट्स जियो हजारों साल वेन एवर शी विशेस मी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, सुनाता हूँ आपको। टू मोस्ट डियरेस्ट आशू, मेरे मॉम डैड मुझे आशू कहते हैं। टू बर्थडे विशेस कमिंग योर वे, फर्स्ट जस्ट होपिंग यू हैव अ ग्रेट डे, सेकेंड अ विश दैट द होल ईयर थ्रू विल होल्ड ऑल दैट मीन्स द मोस्ट टू यू। थैंक यू सो मच आई बाबा। स्पेशल मॉम मेड लड्डू फॉर मी एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। बन गया मेरा बर्थडे शुरू होने से पहले ही बन गया एकदम एक नंबर। अभी बनाते हैं बैटर, और ये देखते ही देखते मेरी बड़ाटे बड़ी के लिए आलू की सब्जी भी रेडी हो गई है। वो थोड़ा प्रोसेस में बिजी हो गया तो फिर मैं दिखाना भूल गया कि एग्जैक्टली सब मैंने कैसे किया। एनीवेज जो मेरे दोस्त हैं सारे कहीं बाहर चले गए, पता नहीं, आई एम अज्यूमिंग कि मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया जा रहा है, इसलिए सब एक साथ बाहर गए नहीं थे, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। जो भी जैसा भी अपन इन्जॉय कर लेंगे, तक अपन उनके लिए कुछ करते हैं बिकॉज वो लोग भी अपने लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ही अच्छी महफिल जम गई है, बस दोस्तों के आने का इंतजार है, फिर सब साथ में बैठ के खाएंगे। बड़ा ही सेटिस्फाइंग फीलिंग आ रहा है खुद से वड़ा पाव बना के, बिल्कुल बिल्कुल ही खुद से, मतलब ना किसी की मदद ली, ना मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि ये सही है वो सही है। जितना मेरे को सही लगा, जितना मेरे को याद था एक रेसिपी, उससे मैंने बना दी। फर्स्ट वन टू कम टू द हाउस तंजमय, थोड़े टाइम में आ ही रहा है, तो कैसा लगा साइली वड़ा पाव? बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, ऑथेंटिक लग रहा है अपना एकदम। अरे यस, मजा आ गया। सिर्फ अभी वो वाले पाव की कमी है, पर मतलब वो पाव ना भी होना तो भी इट्स ओके, बिकॉज़ सिर्फ वड़ा
हाँ, एकदम मुझे मुंबई की याद दिला दी। मुंबई, मुंबई की बारिश, मुंबई की बारिश, वड़ा पाव और आला वाला चाह, एक नंबर। आला वाला ना, अदरक। काय भाऊ, कसं वाटलं वडा पाव? याद आई भाई, घर की याद आई, मुंबई की याद आई। अच्छा है, आशीष बहुत अच्छा कुक है गाइस, थैंक यू। ऑल राइट, सो इट्स 11:59 और मेरे को अभी ये लोग ने बाहर बुलाया है। Never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. Happy birthday to you. But we keep lighting fires, fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around ourselves. It's deja vu. क्या डांस हो गया अभी? Yes, अभी थोड़ा सा मेरे रूम में थोड़ा सा और है। Okay, now light on लगाना। Okay. Just wait a second, wait a second. Amazing. भाई ये रौनक बढ़ा देगा मेरे डेस्क की, एक नंबर। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। नो प्रॉब्लम, तेरे को नहीं बोला, चुप रहे, चुप रहे। थैंक यू सो मच गाइस। वैसे आज वाले ब्लॉग मैंने आपके लिए कुछ, तो सबके लिए कुछ बोला है, तो अभी ब्लॉग देखेंगे। वैसे 12:15 हो रहे हैं, तो जो प्री बर्थडे वाला ब्लॉग है वो अभी आएगा, और फिर ये बर्थडे वाला कल आएगा, और फिर जो बर्थडे पार्टी है वो वाला उसके बाद वाला, एक नंबर। बैक टू बैक डेली ब्लॉगिंग 3 दिन के लिए सिर्फ। ऑल राइट गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 1:30, और अभी बस हम सब बैठ के आराम से टीवी पे गाने वाने सुनेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। एंड थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर द अमेजिंग सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे आशीष, थैंक यू। और तंच में आज सो ही जाएगा लगता है भाई, बहुत नींद आ रही है आज। तंच में काउच पे सोएगा आज? हाँ, वो बेड बनाएंगे, बेड बनाएंगे, छोड़ेगा घर पे। ऊपर है ना तंच में, क्या अभी ऑफर चली गई भाई, मैं खुद चल के आया था। मैंने देखा तेरा आईपैड पे उबर का रिसीट आया था। एनीवेज गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग। कल जो करूंगा बर्थडे जिन पे, वो कल देखोगे आप अगले वाले व्लॉग में। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट। वैसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और शेयर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल, वो भी दबाना मत भूलना। सही।